आ गया है जब हमें अलविदा कहना होगा अपने इस प्यारे से होमस्टे को। ब्यूटीफुल स्लो लाइफ, अच्छे लोग, अच्छा खाना, पर अब जाना है वापस आज, क्योंकि मेरा बर्थडे है और बर्थडे में हमेशा फैमिली के साथ मनाता हूँ। तो सब फैमिली मेंबर्स, सब मेरे अपने मम्मी पापा मानसी जितिन वेट कर रहे हैं घर पे केक काटेंगे। आज जो है हमारी पार्टी होने वाली है भैया, आज दया जी बना रहे हैं चिकन ऑन चूल्हा। कालू भी आ गया है, कालू भी बहुत एक्साइटेड है चिकन को लेके। कालू भी पार्टी की वेट कर रहा है। कालू को पता है जब भी यहाँ खाना बनता है कि चिकन बनता है। अच्छा, कालू खुश हो रखा है चिकन बन रहा है तो। कालू इज एक्साइटेड, चिकन बन रहा है तो कालू एकदम खुश है। टमाटर चला गया है हमारे मसाले में और अब टमाटर धीरे धीरे अपना तेल छोड़ेगा। इसको ढकेंगे अब। ठीक है, धीमी आँच पे पकाएंगे अब दया जी इसको। ओह वाह, ये अपने खेत का है लहसुन गार्लिक। चिकन ऐड हो गया है इसमें, गार्लिक पूरा साबुत इसमें फ्लेवर डालेगा। वाह, इसका कलर आ गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह, ये देखो कलर और हरा धनिया भी आ गया। कालू इज एक्साइटेड। ये देखो दया जी ने एक ब्यूटीफुल मील प्रिपेयर किया है बहुत मेहनत से चूल्हे पे, जिसको अब हम खाने वाले हैं। वी थैंक यू दया जी फॉर दिस अमेजिंग ट्रीट। दीदी आप ये क्या कर रहे हैं? गेहूं को ये उखल में कूटती हूँ। ओ अच्छा, और इसमें से फिर दाने अलग कर देंगे? दाने अलग, चारा अलग गाय बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा, तो गाय का चारा हो जाएगा और फिर दाने जो है उससे रोटी बन जाएगी। हाँ। पिसवा के। हाँ। अरे वाह, दाने भी अच्छे नहीं होते हैं वो गाय बच्चों को अर्दला दे देते हैं। अच्छा अच्छा, जो बारीक होते हैं, जो बारीक बारीक होते हैं, और जो मोटे दाने होते हैं उसकी पिस के आटा बन जाता है। हाँ, उसकी रोटी बनाएंगे इसको। अच्छा, जो इसमें जो बचेगा वो वो पतले वाले दाने हैं जो आप नीचे मिट्टी में गिरे हुए। अच्छा। हाँ। तो ये चिड़िया को दे देंगे और बोने में काम आएंगे। हाँ, बोने के काम आ जाते हैं। फिर इसे पीसने में। हाँ, वो आटा पिसवाने से पहले धूप दिखाई जाती है। उधर खेत में धनिया जो है वो निकाला जा रहा है। ये धनिया है आपके पास? धनिया, तो इससे तो सूखा हुआ है, इसका पाउडर बनता है जो पिसा हुआ धनिया रहता है। उधर आलू खोद रहे हैं। ये जो आलू रहता है, जो वैसे आपके यहाँ भी और यहाँ भी, ये अपनी खुद की खपत के लिए रहता है या फिर इसको आप लोग वैसे भी आगे बाजार बेचते भी हो? जैसे दिल्ली में नहीं आता है हल्द्वानी का आलू करके। अच्छा, यहीं से निकलता है वो? तो होता है हल्द्वानी में, तो आलू नहीं होता। अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इस साल आलू उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि बारिश नहीं हुई ना अच्छी। हाँ, बारिश कम हुई थी। हाँ। तो आलू अच्छा नहीं हुआ उस वजह से। फिर भी होगा, आलू तो इतना पैदावार नहीं है। अच्छा, ये कह रहा था दया जी कि अब मेरा आज आखिरी दिन है होम स्टे पर और मैं तो बहुत, मतलब मुझे तो बड़ा उदास सा लग रहा है। मेरे को याद आएगी, तीन ही दिन में रहा लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि पूरा आपने ऐसे रखा जैसे परिवार के मेंबर हैं और बहुत अच्छे से प्यार से खाना खिलाया, घुमाया, दिखाया। तो मैं आपको लास्ट
टाइम जो अपना है, एक मतलब व्लॉग जो है मेरा आखिरी दिन का है, इसमें आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? अरे मैसेज हम आप भी आप हमारे साथ आए, हमको भी अच्छा लगा कि आप गांव में आए, इतना घूमा। तो अगर जैसे अभी मैं होम स्टे के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैंने पूरे व्लॉग में बात नहीं करी है, तो अपना जो जैसे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं वो हमारा कनरखा होम स्टे है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और ये जो अपना होम स्टे है इसके बारे में कुछ बताएं, क्या यहाँ पे मतलब किधर से बस अगर कोई वैसे आ रहा है, मतलब अपनी गाड़ी से नहीं आ रहा है तो कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ पे? अपनी गाड़ी से सर नहीं आ रहे तो या तो आप रेलवे में आ सकते हैं, रेल से काठगोदाम तक आ सकते हैं। काठगोदाम तक ट्रेन आ जाएगी? हाँ ट्रेन आ जाएगी। वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, जो टैक्सी आपको 1800 लेगी। 1800 रुपये? ठीक है। और 200 रुपये में शेयर टैक्सी मिल जाती है जो सीधा यहीं उतारती है, पदमपुरी तक आएगी। फिर उसके बाद? उसके बाद हम गांव से एक टैक्सी भेज देंगे। अच्छा। प्रोसेस होता है इसमें, 2-3 जगह आपको बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगी। अच्छा। अगर टैक्सी भेजते हैं तो वो डायरेक्ट आपको यहीं ले आएगी गांव के पास। ठीक है। देखा इनके वहाँ ये प्यार अलग देखा हमने। हाँ जी हाँ जी। इतना अपनापन हमने यहीं देखा।